दिल्ली के एक प्रेमी 25-30 साल का लड़का मन में आया कि मैं भी छोटा सा व्यापार शुरू करूं, मैं भी अपने जीवन में कामयाब हो जाऊं। हारे के सहारे पे भरोसा करके छोटा सा कारोबार शुरू किया, यारी दोस्ती पे भरोसा करके सारा माल उधारी में दे दिया, किसी ने उधारी का पैसा वापस नहीं दिया। अंत में 250 रुपए जेब में बच गए। दिल्ली रोहिला स्टेशन पे खड़ा, गाड़ी वाले से पूछा कि मुझे मेरे घर तक जाना है, कितना किराया लगेगा? गाड़ी वाले ने बोला कि 250 रुपए किराया लगेगा। और वहां से रिंगस की ट्रेन का पता किया, किराया पता लगा तो 250 रुपए। झट से अपने पिताजी के पास फोन मिलाया, बोले पिताजी मैं 2 दिन के बाद आपसे मिलूंगा। उसके पिताजी उसे कहने लगे कि बेटा कुछ तंग लग रहा है, क्या हुआ? बोले पिताजी मुझे जीवन में हारने जैसा लग रहा है, हारने जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मेरा शान सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूं। बोल हारे के सहारे की। रिंगस पहुंच गया, पूरी रात भूखा प्यासा रहा, क्योंकि जो जेब में पैसे थे उनकी तो टिकट ले दी। सुबह हुई, जीप वालों ने आवाज लगाई, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू 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 खाटू, जाकर के जीप में बैठ गया। जीप में बैठते ही जब जीप वाले ने किराया मांगा, झरझर आंसू आ गए प्रेमी की आंखों से। बाबा से कहने लगा कि बाबा इतनी परीक्षा लेना भी ठीक नहीं है, मैं 250 किलोमीटर चल करके तेरे ऊपर भरोसा करके आया हूं बाबा, तो मुझे 17 किलोमीटर रिंगस में लेने के लिए नहीं आएगा क्या? आता है बाबा, बुलाने वाला चाहिए, भरती है झोली, भरवाने वाला चाहिए, होती है सुनवाई, सुनाने वाला चाहिए, खुला है दरवाजा खाटू का, कोई जाने वाला चाहिए। बोल हारे के सहारे की। लोग कहते हैं ना कि हम क्या इतने वीआईपी हैं कि बाबा हमें लेने आएगा, लेने आता है, क्योंकि शबरी अयोध्या नहीं गई थी, प्रभु श्री राम गए थे शबरी के घर, ऐसे ही बाबा लेने के लिए आता है। और इस बात का एग्जाम्पल मैं आपको अभी यहीं पर बैठे बैठे दे सकता हूँ। सोमनाथ भाई मेरा फोन दिखाओ, साहब जितने आप यहाँ पर क्लब के मेंबर हो एक बार यहाँ पर मेरे पास आओ, एक मिनट के लिए आओ साइड में। एक बार दोनों हाथ खोलना बिल्कुल सीधे और ताली बजा करके झूम करके बाबा के चरणों में गिरने का। आगे आगे
चाहते हैं कि बाबा हमारे घर में आए, दोनों हाथ Thank you.